इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से हम लोग यात्रा शुरू करने वाले। ये शीशा अपने आप टूटा है कि नहीं, इसको तोड़ा है कोई? इसको खोल रहे हैं, वहाँ देखिए ना अधिकारी लोग खुलवा रहे हैं, टूटा नहीं है वो खुलवा रहे हैं। ओ, एसी स्लीपर नहीं बना रहे हैं इसको, स्लीपर एसी को स्लीपर बना के भेज रहे हैं। दाल है देखो, दाल का क्वालिटी देखो यार कितना मस्त है। इस रूट पे मैं इतना अच्छा खाना जो है पहली बार देख रहा हूँ। जी तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन से जो कि इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ, हालांकि मैं स्टेशन के पास ही बस से उतरा था पीछे, और आज की जर्नी खास इसलिए है क्योंकि आज हम लोग इंडिया के आखिरी रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो अभी जा रहे हैं स्टेशन पे और आपको दिखाते हैं कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि है इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन। यहाँ से कुछ ही दूरी पे इंडिया नेपाल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से हम लोग यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये है कुछ इस तरह से स्टेशन, यहाँ पे एक लोकोमोटिव है, वहाँ पे नेशनल फ्लैग और सामने रेलवे स्टेशन, इधर पार्किंग और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मैं भीग भी गया, तोलिया लेके आया हूँ। गर्मी इतना है ना भाई पूछो मत, शर्ट मैं पहन रखा था लेकिन बस में शर्ट को मैं बस में उतार दिया, इतनी गर्मी थी पूछो मत। बारिश हुई है लेकिन फिर भी पसीना एकदम तड़ातड़ से जा ही रहा है। कुछ भी नहीं है स्टेशन पे, कोई चेक चार्ज कुछ भी नहीं इसी तरह से। और इस तरह से हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। भाई मैं तो पहुंच गया हूँ स्टेशन पे, और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है इस स्टेशन का मेन एंट्री गेट जिधर से मैं भी आया हूँ। और अगर यहाँ पे बात करें सुरक्षा जांच की तो उसके नाम का कोई चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास में है रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए मतलब चेक चाक, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस साइड में है जहाँ से जनरल टिकट मिलता है, और यहाँ पे पहले मिलता था, ये जो तीन खिड़की आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले टिकट मिलता था, अभी नहीं मिलता है। लोग जो आज यात्रा करने वाले हैं उस गाड़ी का नंबर है 04069, यानी कि 04069, जो कि आज पहला रन है जिसका, मतलब फर्स्ट रन है आज, आज ही हम लोग यात्रा कर रहे हैं। ये कब तक चलेगी इसका कोई पता नहीं है। इसको बुकिंग करने के टाइम में जब मेरे पास इसका आया था मैसेज तो मैं देखा था, तो अगले आदेश तक चलेगी, आदेश कब तक रहेगा कुछ पता नहीं है। अभी आज इसका पहला रन है और आज ही हम लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली तक करेंगे पूरा या आपको जर्नी दिखाएंगे। यार 8:30 बजे ट्रेन को खुलने का टाइम है यहाँ से जोगबनी रेलवे स्टेशन से, और अभी टाइम हो रहा है 8:15, मतलब 8:13 हुआ है तो 8:15 तो बज गया, 15 मिनट बचा हुआ है इस ट्रेन को ओरिजिनेट होने में। अब लाइट जली है, अब जाके जब मैं कैमरा लगाया हूँ तो लाइट जलाया गया है। अभी तक इस ट्रेन को जो है मेन प्लेटफॉर्म में भी नहीं लाया गया है, वो बीच में खड़ी है, तो अब जाके शायद लाइट जल गई है तो आ जाए। तो इस समय घड़ी में टाइम हो रहा है 8:32, और अपनी ट्रेन को यहाँ से जोगबनी से खुलने का टाइम था 8:30, तो 8:30 तो अब ट्रेन को खुलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि टाइम हो गया है 8:32। ट्रेन अभी भी अपनी उस साइड मतलब प्लेटफॉर्म के उस साइड बीच वाले लाइन पे खड़ी है, और अभी भी कुछ भी मतलब हलचल नहीं है कि इसको कब जाके प्लेटफॉर्म पे लगाया जाएगा। पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, समझ से बाहर है, मतलब यहाँ पे तो ना ही कोई और ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक ही ट्रेन यहाँ से चलती है, वो भी आज ही पहला दिन चलेगी। तो हो सकता है कुछ आज फर्स्ट रन है तो कोई ना कोई बाधा होगी जो ये लोग पहले से तैयारी नहीं रखते, और यही मतलब लापरवाही है ना कि जिसके वजह से ट्रेन लेट होती है। और इस समय तो बताओ ट्रेन ज़्यादा चल भी नहीं रही है, फिर भी इस ट्रेन को पता नहीं क्यों यहीं पे लेट किया जा रहा है। 8:33 हो गया होगा, बट ट्रेन अभी भी अपने पार्किंग में लगी है और हम लोग स्टेशन पे बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे, इंतज़ार कर रहे हैं भाई कब जाके ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाया जाएगा और कब हम लोग यहाँ से रवाना होंगे इसका पता नहीं। चलो तो अपनी ट्रेन आके लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे, और आज जो अपना कोच है वो है S6, स्लीपर क्लास में हम लोग यात्रा करने वाले हैं।
दिल्ली तक। ये है S4, S5, S6 होगा। बताओ यार, आधा घंटा डिले आके यहाँ पे, मतलब यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं चल रही है, फिर भी आधा घंटा डिले ला के यहाँ पे लगाया गया है, समझ से बाहर है। क्यों है, कैसे है, पता नहीं। हाँ तो अब ये जो है ट्रेन, जिस ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, ये ट्रेन आज फर्स्ट रन है इसका, यह S6। ये है S6। इधर होगा मेरे ख्याल से। वाला नंबर, ये वाला सीट है अपनी साइड ऑफर, विंडो साइड में सेट करके रखा हूँ उसमें IRCTC के ऐप में। पता नहीं क्यों मुझे कितनी बार हो गया, 3-4 बार हो गया, उसमें विंडो साइड मुझे मिल ही नहीं रहा है इस टाइम, तो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। बारिश हो रही थी बाहर और गर्मी भी काफ़ी तेज़ है, तो पूरा मतलब ये जो टी शर्ट है वो पूरा भीग गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये ICF का कोच है, ये छोटा सा शीशा लगा है, बहुत पुराना मॉडल है, ना जाने इस ट्रेन को कब जाके जो है वो LHB कोच मिलेगी। बहुत लोग कह रहे थे यार कि मतलब रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे हो भाई, क्या बात है, मतलब कुछ बताओ, रेगुलर वीडियो डाल भाई। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम है कोरोना के बाद से लोगों का, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसों की, तो आप समझ सकते हो। और ब्लॉगिंग करने में, जो ट्रेवल ब्लॉगिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत ही ज़्यादा। जिसका मतलब बड़ा चैनल नहीं है, जिसकी अर्निंग नहीं होती है या कम अर्निंग होती है, उसके लिए भाई अपना पैसा लगा के इतना ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप टाइम देख सकते हैं, 9:07 हुआ है, 8 मिनट हो गया बल्कि, और अपनी ट्रेन जो है वो प्रस्थान कर रही है, डिपार्चर ले रही है जोगबनी रेलवे स्टेशन से, जो कि इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है, कहे तो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास है, उसको छोड़ती हुई अपनी ट्रेन निकल रही है अब भाई दिल्ली के लिए। तो ये है कुछ इसका प्रस्थान, ये रहा इसका आगे का साइड, आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन स्टेशन है, और ओपन स्टेशन का मतलब ये है कि यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, प्लेटफॉर्म में टिकट नहीं लगती है यहाँ पे। और ये सब जो लोग देख रहे हैं, ये सब अपने रिलेटिव को यहाँ छोड़ने आए थे, वापस जा रहे हैं। ओहो, ट्रेन जो है अपना रफ्तार पकड़ती हुई धीरे धीरे। ओ भाई साहब, बड़े दिनों के बाद फिर से दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं हम भी, और हमारी ट्रेन भी। उम्मीद करते हैं कि सफ़र काफ़ी अच्छा हो, आनंद में हो, और वीडियो देखने में आप लोगों को मज़ा भी आए। ठीक है, मास्क निकाल लेते हैं यार, मास्क अभी कोई है नहीं यहाँ पे, ट्रेन में इतनी भीड़ भी नहीं है, तो मास्क निकाल लेते हैं। वाह भाई, कमाल का है, मतलब डिपार्चर जोगबनी से, ये मेरी जोगबनी से दूसरी जर्नी है। ठीक है, दूसरी जर्नी है मेरी जोगबनी से, एक जर्नी मैं बहुत पहले किया था, तब मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, और ये है दूसरी जर्नी जोगबनी से, और दूसरी जर्नी में हम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, और जा रहे हैं दिल्ली के पास, या दिल्ली आनंद विहार। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है फारबिसगंज, जो मेरा होम टाउन भी है, तो चलिए फारबिसगंज में आपसे मिलते हैं। RPF वाले जो है बार बार बोल रहे हैं भाई अंदर जाओ अंदर जाओ, तो अंदर जाना ही सही रहेगा। तो अपनी ट्रेन 13 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद पहुंच गई है अपना पहला हॉल्ट फारबिसगंज जंक्शन, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और ये अपना होम टाउन भी है, यहीं से हम बिलोंग करते हैं फारबिसगंज से। हो, मैं जोगबनी इसलिए गया था ताकि आपको पूरी जर्नी दिखा सकूँ, मतलब एक स्टेशन के चक्कर में मतलब जर्नी जो है ना वो अलग बात हो जाती है, मतलब कि अगर पूरा ना दिखाओ तो फिर अलग बात। इसलिए मैं यहाँ से 15 किलोमीटर है जोगबनी, वहाँ गया बस से, उसके बाद मैं पूरा जर्नी करने के लिए फौरन बच चुकी है अपनी ट्रेन, यहाँ से खुलने वाली है। हो, रिलेटिव जब छोड़ने आते हैं, मतलब गांव का स्टेशन है, छोटा छोटा स्टेशन है, तो प्लेटफॉर्म तक आ जाते हैं, घर के आसपास का स्टेशन है तो आ जाते हैं स्टेशन तक छोड़ने। तो फारबिसगंज से अपनी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है। फारबिसगंज का नाम क्यों पड़ा है,
क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज का बहुत बड़ा अफसर हुआ करता था, मिस्टर होब्रेस। उसी के नाम पर इस सिटी का नाम पड़ा और सिटी के नाम पर इस स्टेशन का नाम है फारबिसगंज। और यहाँ पर जो है वो है ये सब रेणु की धरती। महान कवि फणीश्वरनाथ रेणु का पढ़ाई लिखाई इसी सिटी में हुआ था शुरुआत के दिनों में, फारबिसगंज ली अकेडमी स्कूल में। बाहर अंधेरा है, कुछ भी दिखाने को नहीं है, तो चलते हैं सीट पे। और अब जो इसका अगला हॉल्ट इस ट्रेन का वो है अररिया कोट, उसके बाद है पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। ये दोनों स्टेशन जो है वो 20-20 किलोमीटर के दूरी पर है, तो उसको कवर करना ठीक नहीं होगा। अब से मिलेंगे कटिहार में, वहाँ पर आपसे बात करेंगे फिर कटिहार में जाके। ठीक है, नहीं जाना था तो सोचिए अभी ट्रेन खुलने में टाइम यही है, ऊपर वाला यही है। चलिए आप चल जाइए। भाई लोग मिले थे यार, तो कह रहे थे कि क्या कौन सा चैनल ब्लॉगर है, पानी काफी पीछे था। दो तीन दिन में ये है कैमरा, अब आप आ गए हैं इसमें वीडियो में। ये हम जिधर जाते हैं ना ट्रेन में उसका वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, समझे? नाना बढ़िया। तो ये है पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हम लोगों ने अभी तक 80 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया है। और पीछे आप देखिए मधुबनी पेंटिंग, बिहार के हर रेलवे स्टेशन पर मतलब ये मधुबनी पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और मुझे पूर्णिया रेलवे स्टेशन को कवर नहीं करना था, लेकिन वो जो दो भाई आपको पानी की दुकान पे दिखे उनके वजह से मैं सोचा कि चलो जब उनको ऐड करना है, रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई हमको भी ले लीजिएगा वीडियो में, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया उन्होंने, तो मैंने सोचा चलो भाई पूर्णिया स्टेशन को कवर करते हैं। तो 5 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है, पानी यहाँ पर मिल गया है, ये अच्छी बात है। और यहाँ से एक लाइन जो है बनवन की लाइन भी यहाँ से निकलती है, और घंटी बज चुकी है ट्रेन की, मतलब सीटी बज चुकी है ट्रेन की। तो चलते हैं अंदर स्टेशन पे, ऐसा कुछ है पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस रूट को अभी तक कोई भी कवर नहीं किया है, और आपका भाई पहली बार इस रूट को कवर कर रहा है। मतलब यहाँ से कटिहार के बाद तो बहुत सारे लोगों ने कवर किया है, लेकिन यहाँ से जोगबनी से कटिहार तक जो अलग रूट है उसको किसी ने भी कवर नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक किसी ने इस रूट को कवर नहीं किया है। और ये आरटीए वाले अंकल है, ट्रेन खुल चुकी है, तो क्या प्लेटफॉर्म इधर ही आएगा पता नहीं भाई। एक रेल ब्लॉगर को अंदाजा पे अंदाजा लगाना पड़ता है। अपनी ट्रेन जो है कटिहार रेलवे जंक्शन पे प्रवेश कर रही है, और हमें अभी तक पता नहीं है कि प्लेटफॉर्म आएगा किधर। आइडिया सही था अपना, इसी साइड आने वाली है प्लेटफॉर्म। भाई गजब की भीड़ होने वाली है यहाँ पे, गजब की भीड़ होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं लोग। 108 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद हम पहुंच गए हैं कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वो जो 1.5 घंटा डिले चली थी अपनी ट्रेन जोगबनी से, वो हो गया है कवर। मतलब कटिहार में नो डिले अपनी ट्रेन राइट टाइम पे पहुंची है। तो ये है अपना कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन, और हमने खाना वाना खा लिया है। हाँ भाई, यहाँ पे पहुँची है 10:55 पर, पहुँचने का टाइम था, राइट टाइम पहुँची है, और 11:10 पे यहाँ से खुलेगी, यानी 15 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। अभी जो जोगबनी से कटिहार तक ट्रेन आई है वो डीजल लोकोमोटिव से आई है, क्योंकि उस रूट को अभी इलेक्ट्रीफाई नहीं किया गया है। यहाँ पे आप लगेगी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो चलिए आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चेंज होते हुए दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ खरीदना उरीदना है नहीं, लेकिन दुकानें सारी की सारी खुली हैं, मतलब पानी वगैरह ये सब आपको रात को भी यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक जो हम लोग आ रहे थे वो गांव के इलाके से आ रहे थे छोटे स्टेशनों से, तो वहाँ पे नहीं मिल रहा था। पूर्णिया में मुझे पानी मिल गया था। अभी तक आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जब भी इस ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ,
तो सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको इस ट्रेन का नंबर, नाम नहीं बता रहा। इसका रीज़न ये था कि नाम जब मैं इसको ढूंढ रहा था तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि दो एक दो जगह सीमांचल एक्सप्रेस स्पेशल लिखा था और एक दो जगह ज़्यादातर जगह मैं स्पेशल लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ। और जब मैं जोगबनी स्टेशन पे आया तब भी वहाँ पे अनाउंस हुआ था कि सीमांचल एक्सप्रेस, अभी कटिहार रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मतलब जो अनाउंस करते हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि सीमांचल एक्सप्रेस स्पेशल। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीमांचल एक्सप्रेस का नंबर कैसे चेंज हो गया। मतलब जो सीमांचल एक्सप्रेस लॉकडाउन से पहले चलती थी उसका नंबर था 12487 जो जोगबनी से आनंद विहार जाती थी और जो आनंद विहार से यहाँ आती थी वो 12488 उसका नंबर था, लेकिन इस ट्रेन का नंबर है कितना 04069 और उधर से जाहिर सी बात है 04070 आती होगी। तो मतलब नंबर तो बिल्कुल डिफरेंट है ना यार। तो ऐसा हो सकता है क्या, मेरे समझ से बाहर है कि नाम वही और नंबर बदल गया है। लेकिन ये जो ट्रेन है ये टाइमिंग जो है सीमांचल का ही है, 8:30 पर जोगबनी से सीमांचल एक्सप्रेस भी खुलती थी और ये भी खुल रही है, लेकिन इसका नंबर चेंज है। तो ये मेरे समझ से बाहर है, इसके बारे में मैं जो है और रिसर्च करूंगा कि नंबर चेंज होने के बाद मतलब नाम वही, जो ट्रेन पहले सीमांचल एक्सप्रेस के नाम से चलती थी उसका नंबर चेंज हो गया, नाम वही है, तो ये कैसे ऐसा हो सकता है क्या, तो ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए कि इसका क्या फंडा है यार, नंबर मतलब चेंज हो गया, नाम वही है, मेरे भी समझ से बाहर जा रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे इसलिए ताकि आपको लोकोमोटिव दिखाया, ताकि मैं आपको लोकोमोटिव दिखा सकूँ। जब अपनी ट्रेन आई है वो उसका लोकोमोटिव इधर था, लेकिन अब लग रहा है कि लोकोमोटिव इसका खुल गया है यार, मतलब चेंज होते मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि लोकोमोटिव तो इसका अलग कर दिया गया। मतलब मैं काफ़ी पीछे था, जब तक मैं इधर आऊँगा तब तक लोकोमोटिव जो है इसमें से छोड़ा दिया गया है। इसमें लगा हुआ है WAP7 गाजियाबाद का लोकोमोटिव, ये है इस ट्रेन का लोकोमोटिव। एसी कोचेस की एसी खराब हो गई है और यहाँ चल रहा है एसी की रिपेयरिंग। लग नहीं रहा है कि अपनी ट्रेन जो है अभी हाल फिलहाल में चलने वाली है, थोड़ा लेट ही खुलेगी। भाई साहब से लेते हैं चाय और लेते हैं उसके बाद देखेंगे। अच्छा धन्यवाद, चाय पीते हैं। ट्रेन को यार जब खुलना होगा तब खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इसका भी मतलब आनंद अलग ही है यार कि मिट्टी के कप में चाय पियो रेलवे स्टेशन पे, है ना। मैं ज़्यादा नहीं पिया हूँ, 3-4 ही पिया हूँ पूरी ज़िंदगी में मिट्टी के कप। तो आप लोग कितनी बार पिए हो मिट्टी के कप में चाय, जरा बताओ यार कमेंट में। ये याद है मैं पहली बार जब मिट्टी के कप में चाय पिया था तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था जो मैं बिजनपुर के मेला में, हाँ बिजनपुर के मेला में मैं पहली बार लाइफ में पिया था मिट्टी के कप में चाय। बोलिए भाई साहब। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 025 नॉर्थ ईस्ट स्पेशल एक्सप्रेस जो आनंद विहार तक जाएगी 5 प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो अपनी ट्रेन जो है कटिहार रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है और यार मतलब नॉर्थ ईस्ट बगल में आई थी, मैंने सोचा कि मैंने क्या मतलब सभी लोगों ने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट का हॉर्न बज रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हॉर्न बज गया था अपनी सीमांचल स्पेशल का और डिपार्चर ले रही है और हम लोग जो है चढ़ने में काफ़ी जल्दी होगी भाई। मतलब एक हाथ में चाय और एक हाथ से लोगी, ऐसा हो जाता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है। तो भैया जे सब भी देखे छो कटिहार से लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया चैनल के, अपने भाई के चैनल छे समझ लो ना। चलो भैया कटिहार, अब कब आना होता है कटिहार में ये देखने वाली बात। चलो भाई, तो अब बाहर बिल्कुल अंधेरा है, कोई फायदा नहीं है, मिलते हैं आपसे सुबह 6 या जितने बजे भी खुलती है आपसे मिलते हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे सुबह, ठीक है। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, जा रहे हैं सोने, सुबह आपसे मिलते हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर, सब कुछ को चार्ज में लगा देते हैं ना। The next day. ये है आप लोग, मैं सोचा था यार मैं ही लेट हो गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो मेरी ट्रेन लेट है, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक जो स्टेशन पे आपसे रात में बात किया था कि मैं आपसे पाटलिपुत्र
तो पाटलिपुत्र तो हो गया भाई स्किप, क्योंकि मैं सो रहा था और अभी जब मैं जगा हूँ तो देख रहा हूँ कि मेरी ट्रेन जो है वो दानापुर रेलवे स्टेशन पे लगी हुई है और ट्रेन 2.5 घंटा डिले है। मतलब कि समझ लो कि मतलब एक तो मैं नहीं चढ़ पाया टाइम से और अपनी ट्रेन जो है भाई 2.5 घंटा डिले है। और अभी आप देख ही सकते हो कि आँख वाँख सूजा हुआ है, बस थोड़ा सा मुँह से पानी मारा है और गमछा से पोंछ के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी अपनी ट्रेन दानापुर में 2.5 घंटा डिले आके लगी है, जबकि दानापुर में इसका हॉल्ट भी नहीं है, पाटलिपुत्र में हॉल्ट है। पता नहीं क्यों आके लगी है यहाँ पे, क्यों इतना डिले है ये भी अभी पता नहीं। तो देखते हैं भाई साहब थोड़ा पता होता करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों इतनी देर से ट्रेन यहाँ पे लगी है। तो जो मैं बता रहा था कि आपको ट्रेन काफ़ी लेट है, उसका रीज़न मुझे पता चल गया है, वो ये है कि गाड़ी में एसी नहीं चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको कटिहार रेलवे स्टेशन पे बताया था कि एसी कोच में कुछ प्रॉब्लम है, तो एसी नहीं चल रही थी क्योंकि यार कोच बहुत पुराना है। पैसेंजर लोगों ने क्या किया कि पूरा हंगामा कर दिया है और गाड़ी का सुनने में आ रहा है कि शीशा उसका मतलब खिड़की का तोड़ दिया है। इस वजह से मतलब पटना में जो है पैसेंजर लोगों ने एक तरह से हड़ताल कर दिया, मतलब गाड़ी को रोक दिया है। इस वजह से गाड़ी यहाँ पे डिले है, एसी ठीक किया जा रहा है। तो अभी मैं देखने आया हूँ कि एसी कोच में मतलब किस तरह से कांच वाँच तोड़ा गया है, क्या सही में दिख रहा होगा। ये सामने वाला विंडो बिल्कुल टूटा हुआ है, आपको दिख रहा है, यहाँ भी टूटा हुआ है। जब से लेडीज का देखा बिल्कुल अब कंडीशन में नहीं आने का, तब तक गाड़ी रुकवाए। उसके अलावा कुछ ये शीशा अपने आप टूटा है कि नहीं, इसको तोड़ा है कोई? इसको खोल रहे हैं, वहाँ देखिए ना अधिकारी लोग खुलवा रहे हैं, टूटा नहीं है वो, खुलवा रहे हैं। ओ, एसी स्लीपर नहीं चल बना रहा रहे हैं इसको, स्लीपर एसी को स्लीपर बना के भेज रहे हैं। मतलब एसी नहीं चल रहा है, खराब हो गया? हाँ एसी खराब है। खाली एसी वाले कोच में कि सारे में? B2 वाला B3 B2 B1 तीनों कोच में, तीनों का एसी खराब है। गर्मी लगेगा ना, तीनों का एसी खराब है, अभी ये स्लीपर विंडो खोला जा रहा है, देख रहे हैं आपको, मतलब रेलवे कर्मचारी विंडो को खोल रहे हैं, मतलब शीशे को, क्योंकि अंदर एसी खराब है, पैसेंजर को काफ़ी गर्मी लग रही है। इस समय यार यही सीन हो रहा है, मतलब गाड़ी को यहाँ के जो रेल कर्मचारी हैं दानापुर के वो चलाना चाहते हैं। एसी कोच का जो विंडो है मतलब शीशा उसको उतार दिया है ताकि अंदर पैसेंजर को हवा लगे, और पैसेंजर का कहना है कि भाई नहीं, शीशा उतार दिए और रात में बारिश होगी तो पूरा पानी ट्रेन में जाएगा, शीशा रहेगा तो गर्मी लगेगी, शीशा नहीं रहेगा तो भाई जो एसी का पैसा दिया है वो कैसे होगा। लेकिन ये चीज़ भी भाई रेलवे को सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका चीज खराब है, कोच खराब है, तो वो कोच आपको ज़बरदस्ती ढकेल ढकाल के नहीं चलाना चाहिए। अभी तो वैसे भी ट्रेन नहीं चल रही है, बहुत सारी सेट ऐसे ही पड़ा होगा, तो लोग पता नहीं अब क्यों ऐसे करते हैं, समझ से बाहर है। एक ऐसी ट्रेन जिसका मतलब लोग एसी का पैसा दे रहे हैं यार, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इस समय लॉकडाउन में, फिर भी आप खराब कोच के साथ ट्रेन को कर रहे हो, सकता है भाई कहीं ट्रेन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे देखिए भीड़ लगी है, लोग मतलब पैसेंजर मान ही नहीं रहे हैं। आनंद विहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुल रही है। तो करीब 3 घंटे के डिले के बाद मतलब दानापुर में एक एसी कोच में प्रॉब्लम, एक क्या तीनों एसी कोच में प्रॉब्लम के बाद पैसेंजर के हड़ताल करने के बाद जो है अपनी ट्रेन अब सफलतापूर्वक दानापुर से निकली है। अब देखो कहाँ तक ये चलती है कि फिर पैसेंजर को गर्मी लगती है तो फिर कहीं ट्रेन न खींचे और कहे भाई एसी वाला ठीक करा। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा भाई साहब रेलवे की बहुत बड़ी गलती है, एक तो अभी इस समय ट्रेन नहीं चल रही है ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी मतलब कि कोचेस पड़ी होंगी जो कि सही कंडीशन में होंगी, उसको लगा के चलाना चाहिए, ना कि ख़राब कोच लगा दिया आपने और पैसेंजर को, जिसकी वजह से इतना मतलब उसमें अभी एक लड़का बता रहा था कि उसकी वाइफ को मतलब कि समझ लो कि इस तरह से कंडीशन हो गया है कि मतलब बेहोशी वाला गर्मी से, तब जाके वो चेन खींचा, मतलब सारे लोग मिल के चेन खींचे और उसके बाद एसी ठीक करने के लिए बोलते हैं। एसी ठीक होने की कंडीशन भी नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि जैसे कटिहार रेलवे स्टेशन पे ही उसको ठीक किया गया था, पटना में आते आते रात भर लोग एसी नहीं चलाया।
अभी हम लोग पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पे पौने दो घंटा डिले चल रही है, क्योंकि खानापुर में तीन घंटा रोक दिया था पैसेंजर लोगों ने। डीडीयू से अपनी ट्रेन जो है वो डिपार्चर ले रही है, यहाँ पे अपनी ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। 10 मिनट का हॉल्ट था। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम पहुंचे हैं इस समय प्रयागराज स्टेशन, और अपनी ट्रेन यहां पर 2 घंटा डिले पहुंची है। और यहां पर हमारा जो खाना हमने ऑनलाइन बुक किया था वो डिलीवर होने वाला है, तो मुझे अपने सीट के आसपास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग खाना लेके आएंगे और उसके बाद देखते हैं फिर खाना डिलीवर होता है, उसके बाद देखते हैं खाने का क्वालिटी क्या है। और आप हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा चलो भाई, खाना तो मिल गया है, खाना उन्होंने डिलीवर कर दिया है। 1 बोतल का लेना है, पानी का बोतल, पानी का बोतल लेते हैं। चलो भाई, प्रयागराज स्टेशन पर हमने खाने पीने का पूरा सामान ले लिया है, जो वो ऑनलाइन खाना हमने बुक किया था वो भी आ गया है। यहाँ से बस खाने के लिए वही एक केला लिया है और पानी की 2 बोतल, तो एक ही बोतल मैं आपको दिखाया हूँ, एक बार भी मैं जाके लिया था, तो 2 बोतल मैं पानी का ले लिया हूँ। 5 मिनट के टाइम था इस ट्रेन का यहाँ पर रुकने का, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा देर से रुकी है। और एक बार इस ट्रेन में जो है कैटरिंग नहीं है, तो आपको खाने पीने का सामान जो है वो स्टेशन पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रेन के अंदर ही मिलेगा तो स्टेशन पे ही मिलेगा, क्योंकि जो लोग स्टेशन पे चढ़ते हैं वही बेचते हैं। अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर किसी तरह का कोई कैटरिंग फैसिलिटी नहीं है, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो यार इस समय टाइम हो गया है, लगभग 2:30 बज चुका है, 2 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, 5 मिनट यहाँ पर रुकना था हमारी ट्रेन को, लेकिन यहाँ पर 31 हो गया 2 घंटे 31 मिनट, तो काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पर रुकी है, पता नहीं कि कब जाके खुलेगी यहाँ। तो धूप अपना को काफ़ी ज़्यादा लग गया, खाना भी ठंडा हो रहा है, 2 बजे ही 11 घंटा हो गया खाना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि खाना खा लेते हैं जाके, अगर खाना खाते हुए ट्रेन खुल गई तो आपसे मिलेंगे कानपुर सेंट्रल में, अगर नहीं खुली 10 मिनट और रुक गई तो फिर आपको डिपार्चर भी ज़रूर दिखाएंगे। अब देखते हैं कि पार्सल के अंदर क्या कुछ है। देखो ये है इसका प्लेट, एक स्पून, और इसमें से निकला है टिश्यू पेपर, ये है सलाद, इसको सलाद भी कह सकते हैं, इसमें इससे चपाती है 2, और ये है टॉप गोल्ड का पिकल अचार। और भाई साहब ये है इनका मेन थाली, जो मेन थाली है वो ये है, और ये सब आपको इसके साथ ही है, ये रोटी है, ये अचार है, ये सलाद है, ये टिश्यू पेपर है, और ये है प्लेट, और ये प्लेट चम्मच, ये है मटर और पनीर की सब्जी, और ये मिक्स सब्जी है, दाल है, देखो दाल का क्वालिटी देखो यार कितना मस्त है। इस रूट पे मैं इतना अच्छा खाना जो है पहली बार देख रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हो रायता भी है, इसमें बूंदी भी पड़ी हुई है सूखी वाली, और ये देखो जीरा राइस भी है, राइस की देखो मतलब किस क्वालिटी का राइस है, एकदम लाजवाब है, लंबाई देखो राइस की जो लेंथ है वो देखो कितना लाजवाब है,
हर चीज़ सही है, खाने में देखने में हर चीज़ सही है, स्वाद देखते हैं कि कैसा है। चलो भाई, तो फाइनली पहुंच गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन, अपना लास्ट डेस्टिनेशन स्टेशन, और यहां पर अपनी ट्रेन जो है 3.5 घंटा डिले पहुंचाई। अभी रात के बज रहे हैं 12:20, अपनी ट्रेन 3.5 घंटा डिले पहुंची है आनंद विहार। और अभी कहां जाएं भाई, 12:30 आदमी कहां जाएगा, कुछ समझ से बाहर जा रहा है बात। स्टेशन पर हम लोगों से इस ट्रेन के आने से पहले बिल्कुल सन्नाटा था, अभी थोड़ा चहल पहल लग रहा है पैसेंजर को, सबसे ही थोड़ी देर के बाद फिर सन्नाटा हो जाएगा।